प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पहली बार बोली बहन कुमारी मायावती। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर उठाए सवाल, लगाया बड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर खरीद परोत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनके राज में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे और इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा इन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि यह भी सर्वविदित है कि यूपी में कांग्रेस, सपा व बीजेपी की सरकार के चलते यहाँ कोई भी छोटा बड़ा चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कभी नहीं हो सकता और ना ही इनसे इसकी किसी को कोई उम्मीद करनी चाहिए। जबकि बीएसपी के सरकार के समय में भी यहां सभी छोटे बड़े चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कराए गए। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा उन्होंने यह बताया कि कांग्रेस की सरकार हो उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की हो, इन्होंने सरकारी मशीनरीज का हमेशा दुरुपयोग किया है। छोटे से छोटे चुनाव को भी उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है और बड़े से बड़े चुनाव में भी गड़बड़ी करने का काम इन्होंने किया है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा इन्होंने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, इनसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी नीयत ही वैसी है। बहुजन समाज पार्टी का जब शासनकाल उत्तर प्रदेश में रहा तो बहुजन समाज पार्टी ने सरकारी मशीनरीज का दुरुपयोग नहीं किया बल्कि कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया और इसी के चलते तमाम जो चुनाव है वो स्वतंत्र होते रहे, निष्पक्ष होते रहे। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।